या अल्लाह का लाख लाख करम है कि रात बारिश तो आई है लेकिन ज्यादा नहीं है जिससे फसलों को नुकसान पहुंचे। भाई साहब अभी हम दरिया पे पहुंच चुके हैं तो या मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाऊं जिस तारीख को तो दोस्त अब आप आने लगे हैं तो उनको बिताते हैं फिर परिवार के बाद मिलते हैं आपको। तो बेहतर यही होता है कि 27 की रात को बंदा घरों घर ही इबादत वगैरह करे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो यार कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो, खैर ऑफिस होगी। तो यार हमारी दुआ है जो भी हमारे देखने वाले हैं जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। तो भाई साहब कुछ अर्सा पहले मैंने अबू के लिए लिया था मोबाइल, जो कि मुझे लगा था कि पीटीए अप्रूव है, पर वो पीटीए अप्रूव नहीं था, वो बंद हो चुका है। तो आज वो भी मैं लेके जा रहा हूँ और आज वैसे है भी मंडे। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह कल मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, मौसम काफ़ी सेट हो चुका है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और काफ़ी हद तक फसलें लोगों ने कटाई वगैरह करके संभाल भी ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़्यादा मसला नहीं है। तो अभी चलने लगे हैं अपने ऑफिस तक। तो आज का प्रॉपर व्लॉग यहीं से करते हैं शुरू। लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। तो आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग शुरू करते हैं। हमारी आपसे प्यारी सी छोटी सी और नन्ही सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कैन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यार प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो फिलहाल हम दरिया पे तैयारी वगैरह करके निकलने लगे थे अपने ऑफिस की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। चलो जी हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस। तो अपना काम शाम करते हैं। तो काम शाम करने के बाद फिर हमने जाना है मोबाइल का भी पता करना है कि वो चेंज कर देंगे या नहीं कर देंगे। मुझे लगता है कि शायद चेंज कर दें, उन्होंने कहा था कि आप अगर कोई मसला होगा तो आप ले आइएगा, हम चेंज कर देंगे। तो काम करते हैं, उसके बाद चलना है हमने मार्केट। चलो यार आ तो वैसे गए, चलते हैं अपना एच पी का अकाउंट भी एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिवेट नहीं हो पड़ा था तो मैंने सोचा कि अभी कर लेता हूँ। लो जी ऑफिस तो खुला है पर एटीएम भाई साहब बंद है। तो चलते हैं वापस और जाके मोबाइल वाली शॉप का पता करते हैं वो ओपन है या नहीं है। अभी देखे हैं तो वो वाली शॉप ना बंद थी। तो इस मार्केट की इस शॉप से मैं ले गया था मोबाइल, अभी फ़िलहाल ये बंद है, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, शायद नमाज का टाइम तो भी नहीं है, वेट करते हैं। तो यार मोबाइल हमने जमा करवा दिया है शॉप वाले को, उसने कहा है कि आप कल आके 2 बजे यहाँ से पिक कर लीजिएगा, आपका मोबाइल सेट हो जाएगा। चलो तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन का कोई मसला नहीं है, मोबाइल मैं यहीं जमा करवा देता हूँ। तो उसके बाद मैं आया हूँ, मकान भी तय वगैरह किए करने के बाद अभी निकलने लगे हैं घर की तरफ, क्योंकि आज है 27 की रात। तो बेहतर यही होता है कि 27 की रात को बंदा घरों घर ही इबादत वगैरह करे। तो भी निकलने लगे हैं अपने घर की तरफ। अभी 5 बज चुके हैं यानी कि 80 का टाइम हो चुका है, 80 की नमाज हम रास्ते में जाके अदा करेंगे। तो चलते हैं अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो चलें, ये भी ठीक है और तुम्हारा सामान 5000 लेके जाए, क्या बात है, ये भी ठीक है भाई। भाई साहब अभी हम दरिया पे पहुंच चुके हैं तो या मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊं, जिस कश्ती पे हम सवार हो के दरिया क्रॉस करते थे आजकल कश्ती कुछ इस हालत में पड़ी हुई है, जैसे पानी आएगा फिर ये फ्रेश हो जाएगी फिर हम इस पर ट्रैवल करेंगे, फिलहाल इस कंडीशन में पड़ी हुई है कश्ती। तो चलते हैं घर, पता नहीं दरिया का पानी कब आएगा यार, तकरीबन हमें 2 से 3 मंथ हो गया पानी अभी तक नहीं आया। गुड मॉर्निंग जी, तो यार कैसे हैं आप सब लोग, यार अल्लाह का लाख लाख करम है कि रात बारिश तो आई है लेकिन ज़्यादा नहीं है जिससे फसलों को नुकसान पहुंचे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेत जमी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम तैयारी वगैरह करके निकलने लगे अपने ऑफिस तक। तो चलते हैं अपना सफ़र शुरू करते हैं, आज भी काफ़ी लेट हो चुके हैं यार, चलते हैं फटाफट से अपना सफ़र ख़त्म करते हैं। बारिश जब कभी आ जाए तो यार ये रास्ता ना दरिया वाला रास्ता है थोड़ा सा ना पक जाता है, तो हमें आसानी होती है यहाँ से सफ़र करने में। अगर बारिश ना हो 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते तो ये रास्ता टोटल ही ख़राब हो जाता है। अब हम इजी से यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। चलें हम मोबाइल फ़ोन लेके आ चुके हैं, तो अभी काम शाम करते हैं, उसके बाद फिर हमने नमाज़े ज़ुहर भी अदा करनी है। आज हमारे
इस मस्जिद में ख़त्म शरीफ है तो उसकी भी तैयारी वगैरह हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले काम शाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर शाम को असर के बाद हम, मैंने वहाँ भी जाना है, वहाँ उनके साथ काम शाम भी करवाना है मैंने। फ्रूटों का सामान हमने सैर पे कर दिया है, यहाँ पे सारे फ्रूट खड़े जा रहे हैं, उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा काम फाइनल हो चुका है, तो अभी आधा घंटा रहता है अफ्तारी को, तो दो सब आप आने लगे हैं तो उनको बिठाते हैं, फिर अफ्तारी वगैरह के बाद मिलते हैं हम आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अफ्तारी वगैरह कर लिया, नमाज मगरिब अदा करने के, अब फिलहाल अपने ऑफिस आ चुका हूँ। तो खैर, आज के इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए तो कहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।